नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ पिंकी खंडेलवाल जुड़ चुकी हैं। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। अहमदाबाद में आज दुनिया के सबसे बड़े और सबसे बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन हो गया है। कुछ देर पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन किया। इस स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। इस स्टेडियम में 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठकर मैच देख सकते हैं। इसे दुनिया में सबसे ज्यादा दर्शक क्षमता वाला स्टेडियम बताया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसका उद्घाटन करने से पहले सरदार पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव का भूमि पूजन भी किया। इसी स्टेडियम में आज भारत और इंग्लैंड के बीच डे नाइट टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, जिसे पिंक बॉल के साथ खेला जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी एक बड़े विवाद में फंस गए हैं। कल केरल के तिरुवनंतपुरम में राहुल ने दक्षिण भारत और उत्तर भारत की तुलना करते हुए कहा, केरल के लोग मुद्दों को ज्यादा गहराई से समझते हैं, उनमें रुचि रखते हैं। बीजेपी नेताओं ने इसे देश को बांटने वाला बयान बताया, जबकि कांग्रेस कह रही है बीजेपी ने असल मुद्दों से भटकाने के लिए नॉर्थ साउथ पर टूल किट जारी किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बड़ी हस्तियां एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो रही हैं। आज हुगली के डनलप ग्राउंड में ममता बनर्जी रैली कर रही हैं। इस रैली में क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी में शामिल हुए। मनोज तिवारी के अलावा कुछ फिल्मी हस्तियों ने भी टीएमसी का दामन थामा। अभिनेत्री जून मालिया, सयानी घोष, कॉमेडियन कांचन मलिक टीएमसी में शामिल हुए। ममता की रैली उसी मैदान में हो रही है जहां प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2 दिन पहले रैली की थी। पहली बार ममता ने भी खेला होवे वाला नारा दिया और बीजेपी पर जमकर बरसी। कोकेन केस में गिरफ्तार बंगाल बीजेपी के नेता राकेश सिंह को आज अलीपुर कोर्ट में पेश करेगी कोलकाता पुलिस। राकेश सिंह को कल बर्धमान जिले से अरेस्ट किया गया था। राकेश सिंह के दोनों बेटों को भी पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में गिरफ्तार किया। ABP News आपको रखे आगे।